विशाल पटेल के साथ खबर सनसनी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों की ओर। जनपद बलिया, न्याय न मिलने के कारण पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की चेतावनी। जनपद बलिया उत्तर प्रदेश, नैतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ ने पुष्पा सिंह द्वारा न्याय के लिए प्रशासन व शासन को सालों से पत्राचार कर रही है, परंतु अभी तक न्याय नहीं मिला। पुष्पा सिंह स्वर्गीय महादेव सिंह निवासी रामपुर। मेरा नाम पुष्पा सिंह, जनपद बलिया से, नैतिक पार्टी जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। आप कहाँ के निवासी हैं? ग्राम रामपुर टिटही। आपके साथ क्या समस्या है? आपके हाथ में कागज है, आपके साथ क्या समस्या है? मेरे साथ समस्या ये है कि हमारे घर की दीवार गिर गई है और हम अपना जो हमारे पूर्वजों की घर है, जो मकान है, जो डीह की जमीन है, उसमें हम अपना घर बना रहे हैं। अपनी दीवार बाउंड्री जो गिर गई है उसको करा रहे हैं। जो हमारे विरोधी जोगिंदर सिंह हैं वो हमें बनाने में तकलीफ दे रहे हैं, बनाने नहीं दे रहे हैं, मारपीट गाली गलौज करते हैं, जबकि उनका घर ग्राम समाज 510 अराजी में है। जबकि ये बात ग्राम प्रधान भी जानते हैं, राजस्व विभाग के सारे अधिकारी भी जानते हैं, माननीय मोदी जी के यहाँ और माननीय योगी जी के यहाँ। हमने इसके बेदखली के लिए जो खाता संख्या 369 है, इस सब ग्राम समाज की ज़मीन है, जिसके लिए हमने कितनी बार अपील की होगी और कितना बार प्रार्थना पत्र लगाया है, जबकि कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब हमने ये सोच लिया है कि वो लोग ग्राम समाज में बैठ करके अपना घर बना रहे हैं और राजी खुशी रह रहे हैं, जबकि इतनी सारी मुहिम चलाई जा रही है बेदखली की, और हम अपने ही घर में, अपने ही माता पिता की जगह जमीन में, पूर्वजों की जमीन में हम अपना घर नहीं, निवास अपना नहीं बना पा रहे हैं। जबकि माननीय मोदी जी और योगी जी दोनों लोग एक मुहिम चलाई हुई है कि बेघर को घर दिया जा रहा है, शौचालय दिया जा रहा है, जबकि हमें अपने ही घर में अपने पैसे से अपने ही डीह में मकान बनाने में असुविधा हो रही है। और इसकी दरखास्त, इसकी अपील माननीय योगी जी के यहाँ, माननीय मोदी जी के यहाँ, और यहाँ के जिला अधिकारी माननीय डीएम साहब के पास, माननीय एसडीएम साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास, लेखपाल साहब के पास, यहाँ थाना अध्यक्ष एसपी साहब के पास, हर जगह हमने गुहार लगा लिया, कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये समस्याएं आपके साथ कब से हैं? ये कंटिन्यू 12-14 साल से चल रहा है, 10 साल से हमारे घर में कोई मेन मेंबर नहीं है।